तो दीदी शुभलोक आप सबका स्वागत है। तो अभी बहुत दिन हो गया भाई, इंडिया में थे तो थोड़ा पिकनिक विकनिक वगैरह बाहर जाते थे हम लोग मनाते थे, लेकिन इधर है ही नहीं आदमी, इसलिए इधर नहीं मनाता क्योंकि रोज़ अपने हाथ से बनाता खाता है। लेकिन मैं आज मेरे पास टाइम था तो मैं सोचा आज क्यों ना थोड़ा बनाया जाए और बनाया जाए। तो आज पहली बार आज बनाने जा रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो मैं सोचा डिसाइड किया कि बाहर बनाऊंगा, वो भी ऊँट का गोश्त है तो इसीलिए मैं सोचा बाहर बनाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि बाहर किस तरीके से और क्या क्या जुगाड़ बनाना पड़ा मेरे को बाहर बनाने के लिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और मेरा मूड नहीं था बनाने के लिए, लेकिन बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा था, आज थोड़ा टाइम है तो मैं सोचा क्यों ना बनाया जाए। तो देख रहे हो, ये पहले सबसे पहले हमने ये वेल्डिंग मार के, ये देख रहे हो वेल्डिंग से जुगाड़ बना के ले आइए, ठीक है। अपने इधर तो चूल्हा लोग बनाता है ना, लेकिन या आइन टूट खड़ा करके बनाता है, लेकिन हमने ये वेल्डिंग करके वो बना के लिया। उसके बाद वो देखो वो डीजल भी लेकर आया इसको जलाने के लिए। बाकी लकड़ है तो लकड़ पे बनाएंगे, ये ऊँट का गोश है तो इसीलिए। और धूप निकल चुका है भाई, ये सब शाम को बनाने में ही ठीक लगता है, लेकिन पता नहीं शाम को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी मिला है तो मैं सोचा बना ही लेता हूँ। और आप लोग देखो ये प्याज भी काटे हैं और ये बर्तन देख रहे हो, ये पत्ता वो पेड़ का पत्ता है ना उस तरह दिख रहा है। बाकी ये मिर्ची या लहसुन वगैरह काट रखे हैं मैंने, ज़्यादा नहीं काटे कुछ भी, इसलिए क्योंकि गर्मी का जैसे टाइम है तो ज़्यादा खाना सही नहीं है। तेल मसाला ये सब जितना भी चीज़ें हैं ना, ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए गर्मी में। बाकी ये रहा गोश्त जो ये ऊँट का है भाई साहब, आप देख रहे हैं ना ये ऊँट का है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में काट लिया, ठीक है। हालांकि कब वो लेके आया था ना कबील का भाई, तो ये और भी बड़ा बड़ा था तो मैं थोड़ा छोटा किया। और ज़्यादा और भी है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में, पहले इतना बना के देखते हैं। बाकी ये रहा पतीला और ये रहा तेल वेल वगैरह, ये सब जितना जो भी है मसाला वसाला वगैरह ये है। तो मैं सोचा आज बाहर पूरा बना के देखता हूँ कि कैसे बनता है। तो चलिए चलते हैं और जलाते हैं। और ये मसाला भाई इंडिया में बहुत हाला चल रहा है कि ये ख़राब है वो ख़राब है, कैंसर होता है, तो इस पर भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि ये कौन कौन सा हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अभी चलते हैं उसको जलाते हैं और आप बनाते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी जैसे जैसे होएगा वैसे वैसे बना के आप लोग को दिखाते हैं, पहले जलाते हैं। तो अभी आग लगा दिया हूँ, बस धूप की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इस पर थोड़ा डीजल डालेंगे ना तो ये जलेगा। तो इसको इस तरह ना बनाना, किस तरह इस तरह इस पर ना रख देना है ये, इसे बस इसके ऊपर पतीला रखेंगे और बनाएंगे। जल तो है नहीं रहा है, ठीक है, धूप की वजह से दिख भी नहीं रहा है, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बनेगा तो बनाएंगे। तेल और जीरा तो डाल दिया हूँ भाई, मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी गोश्त में है तो ज़्यादा डालेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। मेरे को लग रहा था कि नहीं बन पाएगा लेकिन अब बन जाएगा, देखो ना कितना बढ़िया जल रहा है, ठीक है। तो पहले अब इसमें डालते हैं प्याज, थोड़ा सा इसको चला देते हैं, अब इसमें डालेंगे प्याज, ये देखो ना ये डाल दिया प्याज। और इसको थोड़ा चलाएंगे और फिर भूजेंगे फिर गोश्त डालेंगे। आप लोग देख रहे हो कितना बढ़िया जल रहा है, ठीक है। अभी इसमें डालेंगे गोश्त, इसको कपड़े की मदद से हटाते हैं। अभी देखें ये तो जलने वाला लग रहा है, अब इसमें थोड़ा गोश्त, ये ज़्यादा नहीं भूजेंगे क्योंकि ये गोश्त के साथ हो जाएगा, ठीक है। अभी ये डालेंगे इसमें, अरे भाई ये तो ऊँट का गोश्त है आप लोग देख रहे हैं। अभी थोड़ा चला दिया ना, अभी इसमें थोड़ा डालेंगे नमक, ये नमक है भाई, ये बस थोड़ा डालेंगे अभी, बाकी बाद में डालेंगे, फिर इसको चलाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन अभी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हालत ख़राब हो रहा है भाई बनाने में। गया था ना तो मैं, हम लोग रोज़ पार्टी करते थे, मुश्किल से एक या दो दिन छूट जाता था, नहीं तो रोज़ मुर्गा देसी बकरा रोज़ पार्टी बनाते थे। अभी देख रहे हो हालत ख़राब हो गया सिर्फ एक दिन बनाने में, वो भी धूप की वजह से, ठीक है। तो सऊदी लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सऊदी लोग किस तरह के बनाते हैं। अभी मैं आप लोगों को सामान दिखाता हूँ, मेरा अपील खुद इधर उधर कहीं जाके बनाता था, सामान ले आके यहीं फेंक दिया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सारा सामान मेरा कपील का, आप लोग देख रहे हैं ये चाय के लिए है, इसमें पता नहीं क्या बनाता था वो, फिर देख रहे हो ये क्या चीज़ है, इधर आप लोग देखें ये कुकर भी है भाई साहब, ये कुकर भी, ये सब मेरा कपील का सामान है, वो यहीं पे ला के उतार दिया है, पता नहीं अब क्या करेगा मालूम नहीं। तो अभी इसमें ना जो जो डालना था हमने डाल दिया भाई, मसाला वसाला इसमें हल्दी वल्दी पीसा मिर्च
जो भी डालना था डाल दिया। अब इसको चलाएंगे, थोड़ी देर भूजेंगे, फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसको टाइम लगेगा। तो पहले इसको चलाते हैं। तो काफ़ी देर भूजने के बाद ना अब हम ऐड करेंगे पानी। ये पानी लेकर आया मैं, ठीक है। आँच ना कम ज़्यादा होने की वजह से ये जलने लग जा रहा है, तो इसमें हम ऐड करते हैं पानी। देख रो भाई किस तरह तड़पड़ा रहे हैं एकदम गोल। और इसमें डालेंगे पानी, ये रहा भाई पानी, ठीक है। अब इसको थोड़ा चला के देखेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि पकने में टाइम लगेगा। तो इसको चलाने के बाद मिलते हैं, सीधा तैयार होएगा उस समय। ही हालात ख़राब हो गया भाई, बताओ हमारी माँ बहनें जो रोज़ बनाती होगी लकड़ी पर, उन लोगों का क्या हालात होगा। हालांकि फिर भी बनाएंगे तो मालूम चलेगा ना। तो जो भी जब भी टेंशन हो ना तब भी बना लिया करो ऐसे, ठीक है, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं, थोड़ा रेडी हो जाएगा। तो बाकी हम सिर्फ दो आदमी के लिए खाना बना रहा हूँ, और एक भाई है वो बोला कि मैं चावल गैस पर बना देता हूँ, तो मैं बोला ठीक है मुश्किल नहीं है, तो वो गैस पर बनाएगा चावल, बाकी गोश्त बना रहा हूँ। तो मिलते हैं सीधा बनने के बाद। तो ये एक भाई ना बकरी का दूध निकाल के लेके जा रहा था, तो मैं तो सोचा आप लोगों को दिखाऊं। देख रहे हो ये बकरी का दूध है भाई, इतना रोज सुबह शाम निकालना पड़ता है भाई। दो मिनट के लिए छोड़ क्या दिया भाई, किस देख रहे हैं आप, पूरे तरीके से बूत गया। और पतीले के हालात देख रहे हैं, अब इसको फिर जलाना पड़ेगा, बाकी देखते हैं कितना हुआ है। थोड़ा इसको खोल के भाई, उबल तो रहा है, आप लोग देख रहे हैं उबल रहा है, तो इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हम थोड़ा सा निकाल रहे हैं, देख चेक करने के लिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। देख रहे हो आप लोग, ये देखें। और अभी हम लोग थोड़ा सा निकाल रहे हैं, चेक करेंगे कि हुआ है कि नहीं। अभी तो प्याज भी नहीं गला है यार भाई, टाइम लगेगा, एक घंटा हो गया, फिर भी थोड़ा चेक करते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ये इधर साइड निकाल रहे हैं। तो अभी हमारा गोश्त पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, चावल के साथ खाना है तो लाजिम थोड़ा सालन चाहिए। हालांकि प्याज अच्छे से गला नहीं है, लेकिन ये हो गया है, मैं थोड़ा सा खा के देखा। तो अभी इसको हटाते हैं, ले चलते हैं। तो अभी ये रहा चावल और ये रहा गोश्त, अभी जा रहे हैं निकालने और खाने। खलास यल। तो अभी आप लोग को निकालते देखते हैं। ये देख रहे हो ये गैस पे बनाया है चावल भाई, और ये लकड़ पे बनाया है ना, इसीलिए इसलिए नीचे ये लगाया ना कि ये भी ख़राब ना हो जाए। माशाल्लाह, खाने के बाद इसका टेस्ट आप लोगों को बताते हैं भाई साहब। बिस्मिल्लाह। खाना तो एकदम ज़बरदस्त बना था भाई, लेकिन दिल खुश कर दिया, लेकिन मेहनत बहुत लगा था, ठीक है। और आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं इसी तरह, कभी कभी दिल करे तो बना लिया करे, ठीक है। और ये ना ऊँट का गोश्त नहीं था भाई, बकरे का गोश्त था, ठीक है। जब हम लोग बना के खाने लगे ना तब मालूम चला था, हालांकि बता रहे थे कि ऊँट का गोश्त है, लेकिन ऊँट का नहीं था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।